अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ बेकरी स्टाइल चिकन एग सैंडविच की रेसिपी। और जितना अच्छा ये देखने में है ना, उससे भी कई ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार बॉयल एग ले लिए हैं और मैंने इन्हें ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तो इस तरह से छिलका जल्दी रिमूव हो जाता है। और अब इन अंडों को हम इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और फिर मैंने इन्हें एक बॉल में रख के साइड पे रख दिया है। और अब हम सैंडविच के लिए चिकन प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप चंक्स में कटी हुई चिकन ले ली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश लहसुन भी ऐड कर सकते हैं पाउडर की जगह। और आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से इसमें चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड की है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अब इन चीज़ों को मैं मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दूँगी। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे डायरेक्टली भी कुक कर सकते हैं। तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था और अब मैं एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और ये चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो 1 से 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और फिर जैसे ही ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी कलर में तो हम इसका ढक्कन ढक देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, तब तक ये टेंडर हो जाएगी। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। तो ये रेडी हो गई है, हम इसे साइड पर रखेंगे। और अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में एक अंडा ले लिया है और अब मैं इसमें 1/2 कप नीम गरम दूध ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं इसमें इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए 10 से 20 सेकेंड हमें इसे मिक्स करना है और अब मैं इसमें 2 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे डो की तरह से गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और अगर ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो आटा हमारा अच्छी तरह से गूंद चुका है और अब मैंने इस पर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके इसे मैं आधे से 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए छोड़ दूंगी। और अब मैंने एक बेकिंग डिश को अच्छी तरह से ऑयलिंग करके ग्रीस कर लिया है और डो भी हमारी राइज हो चुकी थी। और थोड़ा सा मैं इसे गूंद लूँगी अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। और अब मैं इसे रोलिंग पिन की मदद से अच्छी तरह से बेलूंगी। तो हमें इसको पूरे को एक साथ ही बेलना है, इसके पीसेस नहीं करने हैं। तो हमें इसे पराठे से थोड़ा सा मोटा रखना है और अब मैं इसके ऊपर इस तरह से 3 स्लाइसेस इधर रखूंगी और 3 स्लाइसेस सामने की तरफ रख दूंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और मैं पिज़्ज़ा कटर या फिर आप नाइफ़ की मदद से भी इस तरह से इसके पोर्शन कर सकते हैं। और अब हम स्लाइसेस के ऊपर एक तरफ केचप लगाएंगे और दूसरी तरफ हम मेयोनीज लगाएंगे। और ये स्प्रेड करने के बाद मैंने जो चिकन की फिलिंग रेडी करके रखी थी वो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने ये फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करनी है।
और अगर वीडियो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं इसके ऊपर बॉयल एग रखूँगी और इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। और अब हमने जो इस तरह से डो इसके साइड पे छोड़ी है वो उसको इस तरह से कवर करेंगे और फिर किसी स्टिक या फिर स्पून की मदद से इस तरह से इसे प्रेस करेंगे और पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट कर देंगे एक्स्ट्रा। और फिर इस तरह से हम इसके साइड्स को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो कोई भी साइड ना इसकी बिल्कुल भी खुली नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ स्लाइस इसके ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और टोस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से इसे बिल्कुल पैक कर देना है। तो ये देखिए चारों सैंडविच हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अब इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी और अब इसके ऊपर ना मैं मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी और साथ ही एक बेल पेपर इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ। और अब इसके साथ ही मैं इस पर एक टोमेटो का स्लाइस ऐड करूँगी और साथ ही एक मैं अनियन का स्लाइस भी ऐड करूँगी। और अब मैं बेल पेपर के ऊपर बॉयल अंडे का स्लाइस ऐड करूँगी और साइड पे भी इस तरह से हम अंडे का स्लाइस रखेंगे। और अब इनके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। और बस अब हम इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और ये देखिए मज़ेदार से चिकन एग सैंडविच बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनके रेडी हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके रेडी होते हैं। और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। वीडियो रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।